स्टूडेंट 13.1 का ये प्रश्न है 30। इसमें दिया है खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पर अर्धगोला बना लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक शंकु बना है इस टाइप से। इस शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों समान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी शंकु की त्रिज्या और ये आपके अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है। ये भी 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो यहाँ पर दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है उसमें से अगर इस त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं शंकु की ऊंचाई h निकालने के लिए, जो ऊंचाई h होती है ये निकालने के लिए जो संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें से हम इस 3.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खिलौना है जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है तथा शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या समान है। तो आप देख सकते हैं ये त्रिज्या 3.5 है, ये भी 3.5 है, शंकु की त्रिज्या भी 3.5 है, अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। अगर 15.5 में से 3. माइनस कर देंगे 3.5 को तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। जो ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे जो कि त्रिज्या है तो ये शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी जो कि 12 सेंटीमीटर हुई। आपको पता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और शंकु का भी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, जबकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πrl होता है। यहाँ पर त्रिज्याएं दोनों की समान है इसलिए दोनों को r लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर से r हम कॉमन ले सकते हैं, पाई को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2r और प्लस l हो जाएगा। अब इसमें हम πrl का मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 3.5 है, 2 × r का मान 3.5 और l का मान, l जो होता है वो √h² + r² होता है। तो यहाँ पर पहले आपको l का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर l का मान निकाल लेते हैं। l बराबर होता है √h² + r², यानी h आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर करेंगे और r 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, जबकि 3.5 का स्क्वायर निकालने के लिए 3.5 को हम गुणा करेंगे। तो 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 5×5 = 25, 5 × 2 = 2, 5×3 = 15 = 17 और फिर 3×5 = 15 हासिल लगा 1 × 3 = 9 = 10। तो आप देख सकते हैं 5, 7×5 = 2, 1 हासिल, 1×1 = 2, 1×12 = 25।
तो ये 12.25 आएगा। तो यहाँ पर आप 12.25 लिख देंगे। अब 144 में 12 जोड़ेंगे तो 144 10 54 2 56 156.25 आएगा। 156.25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये देखना आपको। 156.25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम 156.25 लिख लेंगे और बट्टे में 100 लिख लेंगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए। अब आपको पता है 100 का वर्गमूल तो आसानी से आप निकाल लेंगे 10। 156.25 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आप इस तरफ हम कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 156 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 1 5, 1 6, 5 2 10, 2 12 5 25, 5 6 30, 1 31, 5 2 10, 2 12 5 25, 5 5 80 1, 5 2 10, 2 12 5 25, 5 2 10, 2 12 5 25, 5 5 25, 5 1 5। आप देख सकते हैं 5 के 3 जोड़े बन गए तो 50 25 50 125। तो ये आएगा इसका जो वर्गमूल होगा वो 125 आएगा। 125 को जब आप भाग देंगे तो 10 से तो ये 12.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5। फिर इसको आप क्रॉस चेकिंग ऐसे कर सकते हैं, 12.5 को अगर 12.5 से गुणा करेंगे तो क्या 156.5 आएगा, तो इससे सही हो जाएगा। 50 25 के 5, 2 8 5 10, 2 12 के 2, 1 8 5 5 1 6, और 2 5 10 के 0, 1 8 2 4 1 5, 2 1 2। इसी तरीके से 5 2 1 आएगा, यहाँ 5 2 5 5 10 6 16 के 6, 1 8 2 4 1 5 1, और ये आ जाएगा 156.25। यानी आपका वर्गमूल सही है। तो ये आ गया 12.5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुणे 3.5 है, तो अगर हम ये 3.5 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7 0.5 आ जाएगा। 7 5 35 होता है तो 0.5 आएगा, और ब्रैकेट में 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 35 × 70 7.0 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं आयल की, ये 12.5 है। अब आप 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 0, 1 5 × 10 = 11, अब यहाँ 1 के पहले दशमलव लग जाएगा, और गुणे में 7 और 12.5 को जोड़ देंगे तो 12 7 19.5 आएगा। यानी 11.5 × 19.5। अब 11 को 19.5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 = 5 हासिल होगा 5, 11 9 99, और 5 आपके हो गए 104 के 4, 10 हासिल, 11 के 11 और 10 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पर एक अर्धगोला है, अर्धगोले का और एक शंकु है, अर्धगोले के ऊपर उसी त्रिज्या का एक शंकु जो है अध्यारोपित है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये नीचे अर्धगोला बना हुआ है, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, और दोनों की त्रिज्याएं समान है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है, जिसको हमने आर लिखा है। और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं जब इस 15.5 सेंटीमीटर से ये अगर हम ये त्रिज्या जो है अर्धगोले की माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई h मिल गई। अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इसके लिए हम अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ पर r दोनों समान है क्योंकि जितनी त्रिज्या आपके अर्धगोले की उतनी त्रिज्या शंकु की है, तो इसीलिए हमने दोनों को r लिया है। और l यहाँ पर त्रिज्यक ऊंचाई है। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में से पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2r बचा, यहाँ प्लस का l आ गया। अब पाई का मान जैसा कि प्रश्न में दिया है 22/7 है, r का मान यहाँ पर से आप देख सकते हैं 3.5 है,
ब्रेकेट में 2 × 3.5। अब हमको एल का मान चाहिए। हम सभी जानते हैं तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जहां पर एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है और आर शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस 3.5 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 12 × 12 यानी 144 होता है, और 3.5 का स्क्वायर निकालने के लिए 3.5 और 3.5 से गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा। फिर 12.25 को 144 में जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ दशमलव हटा दिया, बटे में 100 लिख लिया, दशमलव हट जाएगा तो 156/25/100 हो जाएगा। अब हम 100 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं जो कि 10 होता है। 156/25 का वर्गमूल निकालने के लिए 156/25 के बाद गुणनखंड कर लिए। अब भाग गुणनखंड करके यहाँ पर 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 1 1 5 तीनों में से ले लेंगे तो 5 × 5 × 5 यानी 125 आ जाएगा। अब 125 को 10 से भाग देंगे 12.5 आएगा। आप देख सकते हैं जब 12.5 को 12.5 से गुणा करें 156.25 आ रहा, इसका मतलब जो हमारा वर्गमूल होगा 156.25 का वो 12.5 होगा। तो यहाँ एल के स्थान पर हम 12.5 रख देंगे। अब 7 से ये 3.5 को जब कैंसिल करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा। अब 7 में 12.5 जोड़ेंगे तो 19.5 मिलेगा, और इस 11.0 को हम 11 भी ले सकते हैं, 11 × 19.5, जब 11 को 19.5 से गुणा करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। धन्यवाद।